फूड ऑल टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे छोले भटूरे वाले छोले की सब्जी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जिस दिन आपको छोले भटूरे बनाने हैं उसकी एक रात पहले आप छोलों को उससे दो गुना पानी में भिगो के रख दीजिए। जब आप सवेरे उठेंगे नमक और हल्दी डाल के इसको आप कुकर में चढ़ा सकते हैं। कि हमारे छोले अब उबल के तैयार हो चुके हैं और हमने उसको थोड़ा सा दबा के फेंसने की कोशिश की, हमारे छोले गल चुके हैं। इसे तेल में आप तेज पत्ता डालिए, उसमें जीरे का तड़का लगाइए और फिर आपका प्याज डाल दीजिए, बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने मेरा प्याज, लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची सब इकट्ठे ही बारीक बारीक कतर लिया था और अब हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि ये लाल ना हो जाए। भूनते समय इसके अंदर आप थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। ये हमने अब हमारा प्याज हो गया लाल और हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब टमाटर थोड़े से लाल होके कच्चापन निकल जाता है तब इसमें आप डालेंगे नमक, चना मसाला, ये डाल रहे हैं हम चना मसाला। फिर आप देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालने से एक बार में कोई चीज़ ज़्यादा नहीं गिलती है। हमने डाल दी हल्दी, डाल दी हमने हींग और हम डालेंगे एक चुटकी चीनी। चीनी डाल के अब हमारा ऑलमोस्ट हिलाने के लिए तैयार हो गया है। मैंने अब डाली है एवरेस्ट की कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची में तीखा नहीं होता और वो रंग अच्छा भी देती है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला पक के तैयार हो चुका है और हमने उसको छोलों के अंदर डाल दिया है। ये हमने उसके अंदर इमली डाली है। इमली आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जितना आपको खट्टा पसंद है उतनी आप इमली डालिए। मेरे घर में लोग थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं और ये इमली डाल के हमने अच्छे से हिलाया और ताकि ये नीचे चिपक ना जाए इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है। थोड़ा सा और पानी डाल के आप इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि पूरा मसाला मिक्स हो जाए अच्छे से और फिर एक बार हम इसको एक सीटी और लगाएंगे। ये एक सीटी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा नमक मसाला, चना मसाला, हींग, जो भी मसाले हमने डाले हैं वो बाकायदा अच्छे से छोले के अंदर मिक्स हो जाए, वरना नमक और मसाला अलग अलग टेस्ट में आएगा। अब आपने देखा कुकर खुल चुका है, सीटी लग चुकी है, हमने चने हमारे बन गए हैं और इसमें हमने हरा धनिया डाला है। अगर आपको चनों को काला रंग देने को मन करता है, उबालने रखते हैं तब इसके अंदर आंवला का पाउडर डालिए। चाय पत्ती मत डालिए, चाय पत्ती डालने से कड़वा हो जाता है और स्वाद खराब हो जाता है। तो ये देखिए छोले और चावल हमारे रेडी हो गए हैं। आप खाइए, सबको खिलाइए, परोसिए और हमें बताना ना भूलिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।